डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि पाइचार्म आईडीई जो है उसको हम किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना इंटरनेट ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेता हूं और इसके अंदर मैं सर्च कर लेता हूं पाइचार्म डाउनलोड, एंटर करेंगे। सबसे पहला जो लिंक आपको नज़र आएगा विच स्टार्ट्स फ्रॉम www.jetbrains.com/pycharm/download, इसको ओपन कर लेता हूं। जब ये लिंक ओपन हो जाएगा तो मेरे पास यहां पे दो ऑप्शंस हैं, पाइचार्म का प्रोफेशनल या पाइचार्म का कम्युनिटी एडिशन। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं विंडोज को क्लिक करूं यहां पे और फिर उसके बाद मैं डाउनलोड को क्लिक कर लूं। यहाँ पे ये पाइचार्म का जो डाउनलोडर है वो इंस्टॉल होने लगा है, तो इसको मैं स्टार्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जब पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा तो मैं अपनी इस वीडियो को फिर से रिज्यूम कर लूँगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। डियर फ्रेंड्स, पाइचार्म जो है वो डाउनलोड हो चुका है, तो आइए हम इसको आज इंस्टॉल करने का तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन का बटन है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको यस कर देंगे। यहाँ पे आपके पास विंडो ओपन हो गई है, इसमें हम नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देते हैं। आपने जहाँ पे अपना पाइचार्म इंस्टॉल करना है, आप अपना डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, मैं इस ऑप्शन को भी क्लिक कर देता हूँ, सेकंड ऑप्शन को भी, थर्ड ऑप्शन को भी और फोर्थ ऑप्शन को भी, और यहाँ से मैं नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे लास्ट विंडो है, यहाँ पे इंस्टॉल के बटन को मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ और जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो फिनिश हो जाएगी तो मैं अपनी इस वीडियो को दोबारा से इसको रिज्यूम कर दूंगा। आपका पाइचार्म जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और आखिर में आपको ये विंडो इस तरीके की एक नज़र आएगी जिसमें लिखा होगा कि क्या आप अपने कंप्यूटर को, पीसी को अभी रीबूट करना चाहते हैं या आप अपने पीसी को बाद में मैन्युअली रीबूट करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन को फिलहाल सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं यहां से फिनिश कर देता हूं। तो इस तरीके से आपका पाइचार्म जो है दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलेंगे, देखेंगे, पाइचार्म को ओपन करेंगे और उसके अंदर अपना जो पहला प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे और अपना कोड जो है वो रन करने के लिए हम उसके अंदर अपना कोड लिखेंगे और उसको हम फिर रन करेंगे। दोस्तों, आपको आज की अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।